किसान भाइयों नमस्कार, मैं अमित चौहान, चौहान एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूँ। किसान भाइयों, आज हम जो जानकारी आपके लिए आए हैं वो है लेयर फार्मिंग, यानी कि अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन हम कैसे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे फार्म है, ये पूरा लेयर फार्मिंग का फार्म है और इसमें अंडा उत्पादन किया जा रहा है। आओ हम आपको लेके चलते हैं और कैसे अंडा उत्पादन कर रहे हैं। पहले आप छोटा सा किसान भाइयों को अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राजीव गौतम है, मैं उत्तर प्रदेश कन्नौज का रहने वाला हूँ और ये यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये लेयर फार्मिंग चल रही है? गांव दौलतपुर है, जिला हरिद्वार है। तो आप यहाँ पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं? हम दूसरी जगह करते थे, यहाँ पे मेरे भाई रहता था, उसकी जगह पे हम काम कर रहे हैं। वो शादी करने के बाद आ जाएगा तो फिर हम काम चले जाएंगे, वो करेगा। नहीं तो आपको लेयर फार्मिंग में कितना अनुभव हो चुका है, कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं? हम 2-3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से आप ये कार्य कर रहे हैं जी। तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कितनी बर्ड हैं जो हैं यहाँ पे? 5,287 मुर्गी थी, मतलब 5,287 मुर्गियाँ थी जी। अभी वर्तमान में कितने हैं? 5,200 मान लो। 5,200 जी। तो जैसे कि हम अगर अंडे की बात करें तो लगभग एक दिन में कितना अंडा उत्पादन हो जाता है? लगभग अंडा आता है 160 ट्रे आता है। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना अंडा उत्पादन हो जाता है? 4,500 से 4,500 के ऊपर हो जाता है, 4,500 के लगभग रहता है। तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि आप ये लेयर फार्मिंग चल रही है तो काफ़ी अच्छा, आप इसमें कौन कौन सा फीड खिला रहे हैं अभी? अभी ये फीड खिला रहे हैं हम स्कॉलर का, स्कॉलर का फीड खिला रहे हैं जी। जैसे हम देख रहे हैं इसमें बजरियाँ भी पड़ी हुई हैं, जीरा बजरी जी। तो इसका क्या कारण है खिलाने का? ये छिलका बनाने के लिए खिलाते हैं, पत्थर है। अच्छा, यानी कि अंडा जो कमजोर ना हो वो हार्ड रहे, जिससे फूट जल्दी ना फूटे जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर इनमें इन्हें कितना टाइम फीड खिलाया जाता है? अभी शाम को 3 बजे खिलाते हैं, सुबह 4 बजे डालते हैं। यानी कि शाम 12 घंटे के बाद दोबारा खिलाते हैं? हाँ। यानी कि पूरे 24 घंटे में दो बार। अच्छा, तो अगर अंडे का समय बताएं हम, ये किस टाइम अंडा देती हैं? ये अंडे सवेरे से देती हैं, शाम तक कोई सुबह देती, कोई शाम को देती है। तो 150 ट्रे मैं उठा चुका हूँ अभी और 6-7 ट्रे और निकलेंगी, 8 तक और निकलेंगी। अच्छा, यानी कि पूरे दिन में 160-170 ट्रे निकल जाती है, 160 के एयरफेयर में रहती हैं। तो अगर हम अंडों की बिक्री की बात करें तो यहाँ पर अंडा आपके फार्म से बिक जाता है या आप कहीं सेल करते हैं? नहीं, फार्म से बिक जाता है। तो लगभग कितने की 1 ट्रे बिक जाती है? 1 ट्रे तो ऐसे 1 ट्रे के हिसाब से देते हैं तो 130 की देते हैं, और ऐसे थोक रेट जाता है तो 120 या 18 की जैसी जाती है। अच्छा, यानी 118-120 जी। अब तो जैसे अब गर्मी आ रही है उसमें रेट घट भी सकता है? घट भी सकता है। जैसे कि ये हम फार्म देख रहे हैं तो उसमें लगभग कितने आदमी डेली काम करते हैं? मैं अकेला ही काम करता हूँ, मतलब अकेले पूरे फार्म को संभाल रहे हैं जी। तो आपकी अगर हम पेमेंट की बात करें तो सैलरी कितनी हो जाती है लगभग महीने की? जी, महीने में हमारे 13,000 बोले हैं, सिलेंडर भर के देंगे, कमरा इनका रहेगा। अच्छा, यानी कि कमरा इनका, सिलेंडर भर के, और खाना मैं अपने पैसे से खाऊंगा अपने पैसे। अगर हम बीट की बात करें तो जैसे इसमें नीचे बीट गिर जाती है तो इसका बीट का क्या करते हैं बाद में? ये लोग, किसान लोग खेतों में डालते हैं, यहाँ से ही किसान लोग ले जाते हैं जी। ये मुर्गियाँ आपने कितना टाइम हो गया इन्हें मुर्गियों को लाए? इनका 27वां हफ्ता चल रहा है। 27वां हफ्ता चल रहा है जी। तो कितने हफ्ते तक मुर्गी अंडे देती रहती हैं? अंडे तो देती रहती हैं, मतलब 2 साल तक अंडे देती हैं। दो साल तक देती हैं, कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, 60-65 के 70 के नीचे आ जाता है तो इसको उसमें चली जाती हैं कटने वाले में। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये अंडा यहाँ पर रखे हुए हैं जैसे, तो ये मुर्गियों ने अंडे दिए तो इंटरेक्ट इसमें, इसे नीचे जाली में आ गए जी, और आप यहाँ से उठा लेते हैं। हाँ। तो उठा के आप फिर उसमें ट्रे में रखते हैं। यानी कि ये यहाँ पर आप इकट्ठा कर देते हैं जी, गाड़ी आएगी तो चला जाएगा। अच्छा, गाड़ी आएगी यहाँ से ले जाएगी। तो जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं तो ये कितने दिन में इन्हें मुर्गियों को चेंज कर देते हैं? 2 साल में चेंज करेंगे। अच्छा, जैसे कि हम शुरुआत अगर करें तो मुर्गियाँ कितने तक की आ जाती हैं और बच्चे की बात कर रहे क्या? हाँ, जैसे बच्चे मुर्गी लाए हैं हम जी। तो कितने टाइम की मुर्गी हमें लानी चाहिए? मुर्गी लानी चाहिए आपको
120 दिन की अंडे पे आ जाएगी। 120 दिन में अंडे पे आ जाएगी जी, और वो लगभग 2 साल तक अंडा देगी जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा लेयर फार्मिंग से हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, और डेली के लगभग 4.5 अंडे बेच रहे हैं। अगर हम एक अंडे की बात करें, लगभग 3 रुपये का एक अंडा, यानी कि 15,000 रुपये तक की कमाई डेली की हो रही है। तो किसान भाई, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।